नेता आजम खां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, जो आज बदायूं में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बदायूं की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां बदायूं में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। विजय हमारे संवाददाता बदायूं से इस खबर पर जुड़ गए। विजय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता, बड़े नेता आजम खां, किस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको मनोहर, ये समाजवादी पार्टी के जो आजम खां हैं, सत्तापर नेता समाजवादी पार्टी के हैं, बधाई हो, पूर्व मंत्री जो आगे जाए हैं उनकी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, आजम खां जो है वो कल बधाई पहुंचे थे और उनकी रात की उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता है उनके साथ लगभग 4 घंटे की मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये कल बताया गया था कल सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मनु, किन मुद्दों को लेकर बड़ा ऐलान संभव है? किस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है बधाई के अंदर? बिल्कुल मनु, मैं यहाँ पर बता दूँ आप, अभी तक किस तरीके की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि आखिर आजम खां जो है 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें अभी तक जो चीज हुई है और लगातार जो उठा पटक का दौर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े माने लग रहे हैं। क्योंकि लगभग रात 4 घंटे जो है वो पूर्व मंत्री जो राहुल नेता जी हैं उनके आवास पर मुस्लिम नेताओं के साथ की मुलाकात हुई और बैठक हुई। उसमें उनके कुछ जो है विधायक हैं वो शामिल हैं, उनकी पत्नी शामिल है, नसीरुद्दीन जी शामिल हैं, उसमें जो बड़े चेहरे जो समाज पूर्व समाजवादी गवर्नमेंट में मंत्री रहे वो तमाम चेहरे शामिल हैं जिनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मनु, शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। 10:30 बजे का वक्त रखा गया, हालांकि अभी तक आजम खां की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई है। जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ताज़ा अपडेट प्राइम न्यूज़ आपको देगा। एक छोटे से ब्रेक।